छोटा मुंह और बड़ी बात, आप हातिम बेटा की बात नहीं मानिएगा। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? बस समझो इस घर पर एक और कयामत टूटने वाली। हातिम शमीला से शादी करने को कह रहे हैं। क्या उन्हें रोकिए खतीजा बाजी, वरना बहुत बुरा होगा। तुम्हें क्या लगता है ज़ायदा, मैं रोक सकती हूँ उसे? तो क्या आप मान जाएंगी? ये सवाल मुझ जैसी बेबस माँ से मत पूछो इस वक्त। अपने आप को इतना बेबस ना बनाइए, वरना इस घर का क्या होगा? क्या होगा अब इस घर का? आप उन्हें साफ साफ कह दीजिए कि नहीं शादी हो सकती शमीला से। और अगर उसने मेरी बात ना मानी तो? मुझे नहीं लगता वो मेरी बात मानेगा। शमीला ने उसे अपनी मुट्ठी में कर रखा है। मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा इस वक्त। थैंक गॉड, निशान साहब अब पहले की तरह अच्छा काम करने लगे हैं, दिल लगाकर। जी सर, मैं तो परेशान ही हो गया था। और अगर आप इसी तरह काम करते रहे तो बहुत जल्द आपकी प्रमोशन हो जाएगी। निशान, मैं आपसे बात कर रहा हूं। निशान, आपको अपनी प्रमोशन का सुनकर खुशी नहीं हुई? खुशी? हाँ खुशी। पता नहीं सर। क्या बात है, आज कुछ आप डिस्टर्ब से लग रहे हैं। नहीं सर, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ काम कर लूँ। ठीक है, जाओ। शुक्रिया सर। सर ये वाकई बहुत परेशान, कुछ गुमसुम सा रहता है। मुझे लगता है कोई ज़हनी टेंशन चल रही है। मैं हातिम से बात करता हूँ। एक टैलेंटेड शख्स को यूं वेस्ट नहीं किया जा सकता। नहीं नहीं आयशा, इस सब की क्या जरूरत है, रहने दो ना। अच्छा चलो, तुम इतना फोर्स कर रही हो तो मैं आज कल मैं आती हूँ, चक्कर लगाती हूँ। ठीक है, हाँ हाँ आ जाऊंगी, खुदा हाफिज। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें पार्लर वालर जाने की। तुम बेवा हो, लोग बातें बनाएंगे। अब तुम्हें बनाओ सिंगार बिल्कुल सूट नहीं करता। लोगों का तो नहीं पता, लेकिन आपकी बहू जरूर मुझे ताने देगी। और अम्मी आप एक काम करें ना, अजाने हो रही हैं, मसल्ला बिछा रहे हैं, मेरे लिए दुआ करें कि मैं मर जाऊं, ताकि मेरी जान भी छूटे आप लोगों से। ये रजा साहब को दे दीजिएगा और उनसे कहेंगे सारी एंट्रीज कर दें सारी, और मुझे बता दें। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। यू वेलकम। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आतिम साहब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? भाई हमारे दिल ने बता दिया था कि आतिम साहब याद कर रहे हैं। सुनाओ तबीयत कैसी है, बिजनेस वगैरह तो ठीक चल रहा है ना? सर बस फाम भाई की डेथ के बाद बिजनेस थोड़ा सा तो डाउन हुआ था, लेकिन उम्मीद है कि मेहनत करूँ और अच्छे से इसको संभाल। आतिम एक बात पूछनी थी तुमसे, जिशान के कुछ फैमिली मैटर्स चल रहे हैं क्या? क्यों, उसने कुछ कहा है आपसे? नहीं, उसने मेरे साथ तो कुछ भी डिस्कस नहीं किया, लेकिन उसकी हालत देखकर मुझे लगता है, क्योंकि वो हर वक्त डिस्टर्ब और उलझा उलझा से रहता है। सर आप तो जानते हैं हर घर में कोई ना कोई फैमिली इश्यूज होते हैं, तो उसका कोई पर्सनल इशू चल रहा है शायद, तो बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। हातिम
तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम इन इश्यूज को जल्द से जल्द हल करो। तुम जब ऑफिस आओगे तो फिर इंशाल्लाह बैठ के डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, आपने मुझे अपना समझा और मुझे कहा। मैं कोशिश करूंगा कि सब बेहतर हो जाए इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।